अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे तितली इस्लाम जमा सोम। कल हमने सबक नंबर 1 अमीर सौदागर की कहानी पढ़ी थी, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। सबक नंबर 1 अमीर सौदागर। बहुत बहुत अरसा पहले अरब के रेगिस्तान में मक्का नाम का एक छोटा कस्बा था। बहुत अरसा पहले अरब के रेगिस्तान में मक्का नाम का एक छोटा सा कस्बा था। मक्का के कुछ लोग सुदागर थे। मक्का के कुछ लोग सुदागर थे। ये सुदागर क्रैश कहलाते थे। ये सुदागर क्रैश कहलाते थे। सर्दियों में वो नीचे यानी जनूब में मुल्क यमन जाते। सर्दियों में वो नीचे यानी जनूब में मुल्क यमन जाते। यमन में हल्की सर्दी पड़ती थी। यमन में हल्की सर्दी पड़ती थी, इसलिए सर्दियों के मौसम में यमन का सफर क्रैश के लिए आसान था। इसलिए सर्दियों के मौसम में यमन का सफर क्रैश के लिए आसान था। वहाँ पर क्रैश वो चीजें खरीदते थे। वहाँ पर क्रैश वो चीजें खरीदते थे जिनकी शुमाल के लोगों को जरूरत होती थी, जिनकी शुमाल के लोगों को जरूरत होती थी। गर्मियों में वो ऊपर यानी शुमाल में मुल्क शाम की तरफ सफर करते थे। गर्मियों में वो ऊपर यानी शुमाल में मुल्क शाम की तरफ सफर करते थे। शाम में हल्की गर्मी पड़ती थी। इस वजह से क्रैश के लिए गर्मियों में शाम का सफर आसान था। वहाँ पर वो यमन से लाई हुई चीजें बेच देते थे। वहाँ पर वो यमन से लाई हुई चीजें बेच देते थे। क्रैश शाम से वो चीजें खरीदते थे। क्रैश शाम से वो चीजें खरीदते थे जिनकी जनूब के लोगों को जरूरत होती थी। वो अपने दूसरे सफर में इन चीजों को यमन में बेच देते थे। वो अपने दूसरे सफर में इन चीजों को यमन में बेच देते थे। मक्का यमन और शाम के बिल्कुल दरमियान में वाकया था। मक्का यमन और शाम के बिल्कुल दरमियान में वाकया था, इसलिए क्रैश के लिए इन दोनों मुल्कों का सफर आसान था। वो अपने हर चक्कर के बाद मक्का लौटते थे। मक्का में वो अपने दूसरे सफर पर जाने से पहले आराम करते थे। मक्का में वो अपने दूसरे सफर पर जाने से पहले आराम करते थे।
मक्का में कुरैश के पास बहुत अच्छे और आरामदा घर थे। मक्का में कुरैश के पास बहुत अच्छे आरामदा घर थे जिनमें बहुत से अच्छे खाने और नौकर होते थे जिनमें बहुत से अच्छे खाने और नौकर होते थे उनके पास अपना कारोबारी सामान उठाने के लिए कई सौ ऊंट थे। उनके पास अपना कारोबारी सामान उठाने के लिए कई सौ ऊंट थे। उनके पास बहुत से लोग थे जो इनका सामान ऊंटों पर रखते थे और इसकी हिफाजत किया करते थे वो इस कारोबार से अच्छे खासे रुपए कमा लेते थे। इनके कारोबार और दौलत की वजह से इस इलाके के लोग इनकी इज्जत करते थे। सब कुछ अच्छा था सिवाय एक चीज के। अब हम इसकी एक बार अगेन दोबारा रीडिंग करेंगे, फिर आप बच्चों ने घर में 3 टाइम इसकी रीडिंग करनी है। बहुत अरसा पहले अरब के रेगिस्तान में मक्का नाम का छोटा सा कस्बा था। मक्का के कुछ लोग सुदागर थे। ये सुदागर कुरैश कहलाते थे। सर्दियों में वो नीचे यानी जनूब में मुल्क यमन जाते। यमन में हल्की सर्दी पड़ती थी इसलिए सर्दियों के मौसम में यमन का सफर कुरैश के लिए आसान था। वहाँ पर कुरैश वो चीजें खरीदते थे जिनकी शुमाल के लोगों को जरूरत होती थी। गर्मियों में वो ऊपर यानी शुमाल में मुल्क शाम की तरफ सफर करते थे। शाम में हल्की गर्मी पड़ती थी इस वजह से कुरैश के लिए गर्मियों में शाम का सफर आसान था। वहाँ पर वो यमन से लाई हुई चीजें बेच देते थे। कुरैश शाम से वो चीजें खरीदते थे जिनकी जनूब के लोगों को जरूरत होती थी। वो अपने दूसरे सफर में इन चीजों को यमन में बेच देते थे। मक्का यमन और शाम के बिल्कुल दरमियान में वाकया था इसलिए कुरैश के लिए इन दोनों मुल्कों का सफर आसान था। वो अपने हर चक्कर के बाद मक्का लौटते थे। मक्का में वो अपने दूसरे सफर पर जाने से पहले आराम करते थे। मक्का में कुरैश के पास बहुत अच्छे और आरामदायक घर थे जिनमें बहुत से अच्छे खाने और नौकर होते थे। इनके पास अपना कारोबार सामान उठाने के लिए कई सौ ऊंट थे। इनके पास बहुत से लोग थे जो इनका सामान ऊंटों पर रखते थे और इसकी हिफाजत किया करते थे। वो इस कारोबार से अच्छे खासे रुपए कमा लेते थे। इनके कारोबार और दौलत की वजह से इस इलाके के लोग इनकी इज्जत करते थे। सब कुछ अच्छा था सिवाय एक चीज के। अब आप सब बच्चों ने इसकी घर में 3 दफा रीडिंग करनी है।